हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन वेंचर्स डिफेंस। तो बाय एग्जाम को तो गाइस, मैं सोनल अग्रवाल आपकी रीजनिंग फैकल्टी आप लोगों का स्वागत करती है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वेंचर्स पे। तो कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे। तो आज के सेशन में सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइक करना है सेशन, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है आपका अपना यूट्यूब चैनल CDS FCAT and CAPF। कुछ ज्यादा ही चमक गई यार तुम्हारी मैम तो आज, ऐसा ऐसा लग रहा है कतई बिल्कुल, कहते नहीं गोरी कहीं से आटा पोत के आई हूं मैं, और पता सुबह से ऐसा चेहरा, और देखो ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं मैं कहीं से आटा पोत के आ गई हूं। चलिए थोड़ा सा बफर कर रहा है, थोड़ा सा शायद नेटवर्क में इश्यू है क्योंकि घर से क्लास लेते हैं ना तो नेटवर्क में इश्यू आता है। अरे विक्रम, तुमने मेरा इतना नाम फेमस करा है ना, गोरी मैम करके सब मेरे को गोरी मैम बुलाने लग गए तुम्हारे चक्कर में। पहले अच्छा खासा भगवान ने नाम दे रखा था, मेरा नाम सोनल, ऊपर से एक चेरी मैम दे, भाग्यश्री ने बहुत प्यारा नाम दे रखा था, एक तूने दे दिया मेरे को गोरी मैम। वो गोरी मैम मेरे पर भारी पड़ गया है बहुत ज्यादा। तो पूरे चैनल पे देख, एग्जामपुर के हर एक बच्चा गोरी मैम के नाम से जानने लग गया मुझे, नलायक हो गया राजकुमारी, और बोल ले एक नया नाम और मेरे माथे पड़ जा नलायक। मुझे अब ऐसा लगता है कि अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे ना मेरे को अब लिखवा देना चाहिए रीजनिंग बाय सोनल अग्रवाल गोरी मैम। चलिए गाइस, कल जन्मदिन है किसका, 14 जनवरी 2022 को हमारे विवेक सर का जन्मदिन है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, www.testvalley.com पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा, क्विज मिलेगी, पीडीएफ टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर ये सब आपको मिलेगा हमारे इस सेशन में, ठीक है, यदि आप www.testvalley.com पर रजिस्टर करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आज हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके लिए आप लोगों के लिए निकाला गया है LOHRI, यदि आप कूपन कोड इस्तेमाल करते हो 25 तो आपको मिलेगा 25% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये आपका 24 घंटे के लिए, 24 आवर्स के लिए क्या है, ये आपके लिए ऑफर निकाला गया है। हंस मत विक्रम, हंस मत बेटा, तेरी हंसी के पीछे ना मन तो करता है मारूं बहुत पकड़ के तेरे को, तूने लाइफ मेरी बेकार कर दी है बच्चों, तूने लाइफ मेरी बेकार कर दी। बता मैं किस किस को जवाब दूं कि मुझे क्यों बुलाया जाता है गोरी मैम, अब तू मुझे ये बता, सबके ऐसे से कमेंट है ना, मैम गोरी मैम आ गई, गोरी मैम आ गई, बता। राइट, रीड, नॉलेज, लर्न एंड स्टडी, आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन का, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या कहता है, वर्गीकरण करना, क्या कहता है, वर्गीकरण करना, जहां पे आपको फाइंड करना है कि इसमें से अलग क्या होगा। तो आप फाइंड करिए कि राइट, रीड, नॉलेज, लर्न और स्टडी में से आपका अलग क्या बनेगा, बताओ। विक्रम आंसर बता फटाफट से, मैं जरा इतने नेट चला लेती हूँ, यूट्यूब चला लेती हूँ आज। बताओ विक्रम कह रहा है सी ऑप्शन, अभी बच्चे आएंगे बेटा, मेरी क्लास का टाइम ना 8 बजे होता है, आज गलती से जल्दी स्टार्ट हो गई मेरी क्लास, तो मैंने सोचा कि बंद करने से अच्छे मैं क्लास को ले लूं। देखिए सी ऑप्शन जो बनेगा वो बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, आपका सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आएंगे, रुक जा अभी आएंगे बच्चे, देख 8 बजे के आसपास आएंगे, इतने तू पढ़, तेरे से बातें करती हूँ। राइट का मतलब क्या होता है, लिखना, रीड का मतलब होता है तुम्हारा पढ़ना, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, लर्न का मतलब भी क्या होता है आपका पढ़ना या सीखना, ठीक है, सीखना या आपका होता है स्टडी का मतलब पढ़ना,
ठीक है, तो इसमें से जो आपका अलग बनेगा वो बनेगा आपका नॉलेज विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑल अदर आर नॉलेज को छोड़कर सारे के सारे क्या है आपके रिस्टोर्टेड टू बाय वन टू एक्वायर नॉलेज, सारे के सारे आपके नॉलेज आपको क्या करता है गेन करता है, आप राइट कर रहे हो, रीड कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एरो मिसाइल स्वॉर्ड बुलेट एंड स्पीयर, बताओ। आज कोई नहीं है क्लास में, तलवार, बुलेट मतलब होता है आपकी गोली और ये होता है आपका भाला, बताओ राइट आंसर क्या बनेगा। देखो आपका भाला हुआ, गोली हुई, मिसाइल हुई, तीर हुआ, ये फेंकने वाली चीज है कार्तिकेय। देख आ गया विक्रम, तेरा दोस्त आ गया कार्तिकेय। किसी ना किसी चीज के कोई डिस्टेंस पे कोई चीज है उसको क्या करते हैं हम टारगेट करते हैं, लेकिन तलवार जो है वो इन सबसे बिल्कुल डिफरेंट होती है। सो राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा इसका तलवार विल बी द करेक्ट आंसर, स्वॉर्ड जो बनेगा, तलवार जो बनेगा वो राइट आंसर बनेगा। कार्तिकेय इतने दिनों बाद तुम कहाँ थे भाई क्लास में, बहुत दिनों बाद तुम दिखे हो, अचानक से कैसे दर्शन दे दिए तुमने, तुम दोनों ने मिलके ना मेरी बहुत बेइज्जती मारी, कार्तिक और विक्रम ने मिलके। पूरा एग्जामपुर मेरे को गौरी मैम कहने लग गए, आजकल मेम बनने लग गए मेरे ऊपर, गौरी मैम के ऊपर। शर्म नहीं आती तुम दोनों को, तुम दोनों को यही डांट लगाऊंगी मैं। अब स्क्रू हैमर नीडल पिन एंड नेल, स्क्रू हुआ, हैमर हुआ, नीडल हुआ, पिन हुआ, आपका नेल हुआ, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। स्क्रू मतलब क्या होता है आपका पेच, हैमर मतलब क्या होता है आपका हथौड़ा, नीडल मतलब क्या होता है आपका सुई, ठीक है, पिन मतलब पिन होता है, नेल मतलब नेल होता है। देखो हथौड़े को छोड़कर, हैमर को छोड़कर सारे के सारे आपकी नुकीली चीज है, पॉइंटेड एंड है, हर एक किसी का क्या है पॉइंटेड क्या है एंड है। सो राइट आंसर इज द हैमर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे सीएचएस टीयर टू एग्जाम था, कैसा गया कार्तिकेय? अभी आज अभी ना मेरी क्लास होगी एसएससी एग्जामपुर पे, एसएससी बाय एग्जामपुर पे, एसएससी बाय एग्जामपुर पर मेरी क्लास होगी संडे को सुबह 8 बजे। भैया मेरे तो सुबह 8 बजे जो उठना पड़ता है ना, सुबह 8 बजे क्लास होगी संडे वाले दिन। सोचो चैन ही नहीं है जिंदगी में मेरे तो, जिंदगी में चैन वैन सब बेच खाए हम तुम लोगों के चक्कर में, पढ़ाते पढ़ाते हम थक गए हैं। तो अब किस पेपर की तैयारी कर रहा है ये, तो वहां पे अपना कनॉट प्लेस में बैठा रहता है विक्रम। तो कार्तिक के तुम किस किस पेपर की तैयारी कर रहे हो? कैनॉय मतलब क्या होता है आपका, कैनॉय मतलब क्या होता है आपका, कैनॉय मतलब क्या होता है बताओ, आपकी छोटी नाव जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं छोटी नाव। यार्ड मतलब भी क्या होता है आपकी नाव होती है, क्या होती है नौका जिसे कहते हैं नौका, ठीक है, ये क्या होती है आपकी कश्ती होती है, राफ्टिंग आपको पता है जिसमें आप राफ्टिंग करते हो नदी में ऋषिकेश में, तो वो भी क्या होती है एक टाइप की आपकी नौका होती है। तो आपकी याच हुआ, डिंगी हुआ, राफ्ट हुआ, कैनोए हुआ, ये सारे के सारे काइंड ऑफ क्या है आपके टाइप्स ऑफ बोट्स हैं, क्या है टाइप्स ऑफ बोट्स हैं, बट इग्लू जो है वो इन सबसे बिल्कुल क्या है डिफरेंट है। इग्लू क्या है, इग्लू इज अ काइंड ऑफ हाउस फाउंड इन किस एरिया में मिलता है, वो आपके पोलर रीजन में मिलता है। इग्लू कहाँ पे मिलता है आपको, पोलर रीजन में मिलते हैं। तो राइट आंसर इज द इग्लू विल बी द करेक्ट आंसर। आदित्य ओझा सीजीएल मेंस 28 को है, अरे बेस्ट ऑफ लक कार्तिकेय, अच्छे से अपने सीजीएल मेंस को देना, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। लियोनी थेराम, लियोनी सन्नी लियोनी वो समझ लेना, लियोनी अलग है, ये लियोन कहते हैं इसे, ठीक है, लियान लियान कहते हैं हम इसी से लियान, ठीक है। धीराम भट्ट लाम्पीरा एंड कोट्स बताओ। न न न जय हिंद लक्ष्य सोना मैम, जय हिंद। और यहाँ पे तुम दोनों ने मेरा नाम बिगाड़ा ना, तुम दोनों को उठा के फेंक दूंगी मैं, विक्रम कार्तिकेय पिटोगे तुम दोनों के दोनों। देखिए कोर्ट्स को छोड़कर, कोर्ट्स को छोड़कर ये सारी की सारी आपकी क्या है करेंसी है, क्या है ये सारी की सारी आपकी करेंसी है। कोर्ट्स क्या है, कोर्ट्स इज अ पार्लियामेंट, ये क्या है आपका पार्लियामेंट है, किसका पार्लियामेंट है कौन बताएगा, कोर्ट्स किसका पार्लियामेंट है बताओ,
कोर्स जो है वो किसका पार्लियामेंट है? स्पेन का। जय हिंद विजेंद्र चौधरा। कोर्स जो है वो किसका पार्लियामेंट है? स्पेन का। मैंने कहा था ना 8 बजे बच्चे टपक के आएंगे, ठीक है? तो राइट आंसर इज द, आपका कोर्स विल बी द करेक्ट आंसर। अयो ये क्या हो गया? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। पीक माउंटेन हिलॉक माउंट एंड वैली बताइए। पीक हुआ आपका, पीक किसे कहते हैं? शिखर को। माउंटेन किसे कहते हैं? पर्वत को। हिलॉक का मतलब क्या होता है आपका? छोटी पहाड़ी, छोटी पहाड़ी। एंड माउंट मतलब क्या होता है आपका? टीला। वैली का मतलब क्या होता है आपका? वैली मतलब होता है आपका घाटी। बताइए। देखिए चाहे आपका पीक हुआ, माउंटेन हुआ, हिलॉक हुआ, माउंट हुआ, ये तीनों के तीनों यू ना चढ़ने की चीज होती है। शिखर पे चढ़ते हैं, पर्वत पे चढ़ते हैं, छोटी पहाड़ी। लेकिन घाटी क्या होता है? आप ऊपर से नीचे देख रहे हो तो वो आपको क्या लगता है? घाटी होती है। सो राइट आंसर इज द ई ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो वैली विल बी द क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा आदित्य ओझा कार्तिकेय। वेरी गुड। वैली डाउनवर्ड होती है। गुड। लक्ष्य पात्रा कृष्णा मोहन सिंह। गुड। अप डाउन बिलो अबव एंड स्मॉल। अप हुआ, डाउन हुआ, बिलो हुआ, अबव हुआ, स्मॉल हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा बताओ? सुन सुन, अप डाउन बिलो अबव। स्मॉल जो बनेगा वो क्या बनेगा? इन सबसे बिल्कुल अलग बनेगा, क्योंकि स्मॉल क्या होता है आपका? स्मॉल आर प्रीपोज़, बाकी के सारे आपके प्रीपोजिशन है, बट स्मॉल क्या है आपका? एडजेक्टिव है। क्या है? किसी की विशेषता बताता है। क्या बताता है? किसी की विशेषता बताता है। तो राइट आंसर इज द स्मॉल विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जंपिंग, रनिंग, स्प्रिंटिंग, जॉगिंग एंड एक्सरसाइज। देखिए जो भी इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ई ऑप्शन, एक्सरसाइज। क्यों? ऑल आर टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज या ऑल आर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। तो राइट आंसर इज द ई ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ई ऑप्शन। मदागास्कर, थाईलैंड, क्यूबा, ग्रीनलैंड एंड तस्मानिया। हाँ तो स्मॉल आपका प्रीपोजिशन नहीं है, बाकी के सारे तो प्रीपोजिशन है ना विजेंद्र? बताओ बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? थाईलैंड को छोड़कर सारे के सारे आपकी क्या है? आइलैंड है। क्या है? थाईलैंड को छोड़कर सारे के सारे आपके आइलैंड है। कृष्णा मोहन सिंह मुझको ये बता बेटा, तू आजकल पेड क्लास में नहीं दिख रहा, तुम यादव कन्हैया हो या कृष्णा हो? पहले तो ये बता दो। पहले तो आदित्य कश्यप, बेटा कितने बजे मेरी क्लास स्टार्ट होती है? चलो तू आ गया 8:02 पे, आज मैंने ही क्लास जल्दी स्टार्ट कर दी थी। गलती मेरी है, गलती तुम्हारी नहीं, आज क्लास मेरी ही वजह से जल्दी क्या हो गई है? स्टार्ट हो गई है। तो कोई दिक्कत नहीं, क्या हो गया भाई, सब भगवान भरोसे। कलेक्शन, कंपाइलेशन, क्लस्टर, असेंबलेज एंड असॉर्टमेंट। देखिए यदि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, कलेक्शन हुआ, कंपाइलेशन हुआ। कलेक्शन मतलब होता है किसी ना किसी चीज को संग्रह करके रखना, कलेक्ट करके रखना। सेम होता है आपका कंपाइलेशन। कंपाइलेशन मतलब भी क्या होता है? किसी चीज को संग्रह करके रखना। क्लस्टर होता है अ बंच ऑफ ग्रेप्स, मतलब गुच्छा। क्लस्टर मतलब क्या होता है आपका? गुच्छा होता है, ठीक है? क्या होता है? गुच्छा। वेरी गुड। असेंबल मतलब भी क्या होता है? किसी चीज का संयोज करके रखना, कलेक्ट करके रखना। असॉर्टमेंट मतलब भी क्या होता है आपका? संग्रह करके रखना, कलेक्ट करके रखना, अ मिक्सचर ऑफ कलेक्शन। तो क्लस्टर को छोड़कर सारे के सारे जो डिनोट करते हैं वो करते हैं आपकी किस चीज को? कलेक्शन ऑफ सिलेक्टेड आइटम्स। बट क्लस्टर जो है वो इन सबसे बिल्कुल अलग है। आदित्य कश्यप, मैं भगवान के पास जाने वाली थी लेकिन फिर मैं जिंदा रह गई, मेरी तबीयत 2 दिन से बहुत ज्यादा खराब थी, ठीक है? कल भी मैंने क्लास नहीं है, कल मैंने क्लास नहीं ली। कैप्सिकम, पाइनएप्पल, चेरी, स्ट्रॉबेरी एंड प्लम।
बताइए, प्लम मतलब क्या होता है आपका? बेर। स्ट्रॉबेरी मतलब तो आपको पता होगा। चेरी मतलब भी पाइनएप्पल, 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 अनानास। कैप्सिकम इज शिमला मिर्च। शिमला मिर्च किसको नहीं पसंद? शिनचैन को नहीं पसंद। हमें शिमला मिर्च नहीं खानी है मम्मी। कैप्सिकम को छोड़कर सारे के सारे क्या है आपके? फ्रूट्स हैं। क्या है? कैप्सिकम को छोड़कर सारे के सारे फ्रूट्स हैं। ऑल एक्सेप्ट कैप्सिकम आर फ्रूट्स। सो राइट आंसर इज द कैप्सिकम विल बी द करेक्ट आंसर। टमाटर, लौकी, ब्रिंजल। ब्रिंजल मतलब क्या होता है? बैगन। कुकुम्बर, खीरा, पोटैटो, आलू। आलू वाले आलू दे जा, ऐसे होता है ना। चलो, पोटैटो इज द ओनली वेजिटेबल इन द ग्रुप विच ग्रोस अंडरग्राउंड। सो राइट आंसर इज द पोटैटो विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पोटैटो जो है वो आपका ग्रो होता है कहाँ? विच ग्रो अंडरग्राउंड। तो राइट आंसर इज द ई ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। मोथ मतलब भी क्या होता है आपका? कीट। किथ बताइए। देखिए, मोथ, बी, लिजार्ड, एपिड एंड कॉकरोच। मोथ मतलब क्या होता है आपका? कीट। बी मतलब होता है मधुमक्खी। लिजार्ड होते हैं छिपकली। एपिड मतलब क्या होता है? एपिड मतलब छोटा इंसेक्ट होता है। कॉकरोच गंदा होता है, घिनौना होता है। तो राइट आंसर इज अ लिजार्ड, क्योंकि लिजार्ड जो है वो आपकी रेप्टाइल कैटेगरी में आती है और सारे के सारे बाकी आपके किस में आते हैं? इंसेक्ट। ओ बी, ओ कृष्णा मोहन सिंह, ओ होश में आ जा, बेहोश कर दूंगी 2 मिनट में। मूरख बी, मधुमक्खी क्यों बनेगा? क्या लॉजिक लगाया तुमने? गोचू, ओ गोचू राम। हैरे, आंसर कैसे दे दिया? बी। बी आंसर कैसे आएगा? एफिड मतलब भी होता है आपका एक छोटा मोटा कीड़ा। ठीक है, छोटा इंसेक्ट होता है वो। अब मैं फोटो कैसे दिखाऊं? अब बन के भी नहीं दिखा सकती। ठीक है, लेजार्ड रेप्टाइल, बाकी के सारे आपके इंसेक्ट में आते हैं। ऑल एक्सेप्ट लिजार्ड आर इंसेक्ट, बट लिजार्ड इज द रेप्टाइल। नहीं मैम, ऐसा होता है, मतलब मैं समझी नहीं कैसा होता है। कृष्ण मोहन सिंह बेटा, कहीं से जहर लाके मेरे को दे दे, मैं खाने में मिला के खा लेगी, कैसा होता है? अच्छा, उड़ने के बारे में आप बात कर रहे हो, तो ऐसे तो कॉकरोच भी उड़ते हैं। कॉकरोच को कभी उड़ते हुए देखा है? मैंने देखा है कॉकरोच को उड़ते हुए, मैंने। मेरे से दिल से पूछो, मेरी रूह कांप गई थी, परमात्मा से मिलके आ गई थी मेरी रूह। कॉकरोच को उड़ते हुए मैंने देखा है बेटा, कॉकरोच उड़ता है, मधुमक्खी भी उड़ती है बेटा। उड़ने वाला नहीं बनेगा इसमें लॉजिक, उड़ने वाला लॉजिक बनता तो मैं बता देती। किस किसने रेज योर हैंड, जिसने कॉकरोच को उड़ते हुए देखा है? मुझे वो मूवी याद आ गई, चुप चुप के, जब वो कहते हैं कि कपड़े कौन धोएगा, वो एकदम भागते हुआ आता है, मैं धोऊंगा मैं, वैसी वाली फीलिंग आ रही है मेरे को, वैसी वाली। स्पैरो, ईगल, हॉक, वल्चर एंड ऑल। उल्लू, 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 उल्लू। स्पैरो को छोड़कर सारे के सारे, ऑल एक्सेप्ट स्पैरो आर फ्लैश ईटिंग एनिमल। सारे के सारे मांस खाने वाले क्या है आपके? बर्ड्स हैं, फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। तो राइट आंसर इज द स्पैरो। मैंने भी देखा है कैकरोच, कैकरोच सॉरी कॉकरोच, जैसे मैं उड़ता है, उड़ता है ना कॉकरोच, मैंने क्योंकि देखा है भैया कॉकरोच उड़ते हुए, मेरी रूह कांप गई थी। मैं किचन में खड़ी थी, मैं किचन से जो दुम भगा के भागी हूं ना, मैंने किचन में 2 दिन तक कदम नहीं रखा। और कॉकरोच को मारने के लिए मैं इतनी दवाइयां लाए हैं, हम इतनी दवाइयां लाए हैं, लेकिन कॉकरोच फिर भी कहीं ना कहीं से निकल जाता था, कहीं ना कहीं से निकल जाता था। अलग ही खून पीता है कॉकरोच। एंगर हुआ, ग्रीफ हुआ, ह्यूमरस हुआ, काइंडनेस हुआ, जॉय हुआ। एंगर मतलब क्या होता है बेटा? गुस्सा। ग्रीफ मतलब क्या होता है? दुख। ह्यूमरस मतलब क्या होता है? हास्यकार।
जैसे कोई हंसने मुखल वाला होता है तो हम उसे एक वो नाम दे देते हैं, यू आर ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस क्या होता है, किसी के एडजेक्टिव होता है, किसी की विशेषता बताता है। काइंडनेस मतलब क्या होता है आपका, दयालु। जॉय मतलब होता है हर्ष। तो जो ह्यूमरस होता है इज एन एडजेक्टिव एंड ऑल अदर्स आर नाउन, सो राइट आंसर इज द सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। जी लॉजिक आप कह सकते हो क्योंकि और कोई तो नाइट विजन के लिए नहीं होता, कह सकते हो आदित्य कश्यप, लेकिन डिपेंड भी करता है ना कि एग्जामिनर ने क्या कहा है। विक्रम का दोस्त है ना इसलिए, कौन विक्रम का दोस्त है भाई, कौन है यहाँ पे विक्रम का दोस्त, विक्रम ने मेरे नाम तो बिगाड़ रखे नलायक ने। इस आया आती हाय राजकुमारी, अब बताओ इसको मैं क्या बोलूं, ए मोटी बुद्धि को मैं क्या बोलूं, और ये क्या है मेरी क्लास का कॉकरोच, कॉकरोच ही है ना ये, ओगी एंड कॉकरोच। विक्रम को हम क्या नाम देते हैं, कॉकरोच नाम देते हैं ना, इसका नाम कॉकरोच ही तो रख रखा है मैंने, मैं तो भूल गई इतने दिनों बाद क्लास में आया ना, नाम ही भूल गई मैं इसका, ये नलायक क्लास में आ जाएगा कभी कभार। विक्रमादित्य है, देखिए चाणक्य को छोड़कर सारे के सारे आपके प्राचीन इतिहास में क्या रह चुके हैं, किंग्स रह चुके हैं। चाणक्य, ऑल एक्सेप्ट चाणक्य वर एशियंट किंग्स, सो राइट आंसर इज द चाणक्य विल बी द करेक्ट आंसर। अजय, विजेंद्र, ऋषभ, मनीष, मैम फीमेल क्यों कॉकरोच से ही डरती, बेटा तेरे ऊपर कॉकरोच छोड़ूंगी फिर पता चलेगा फीमेल ही कॉकरोच से क्यों डरती है। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है कि फीमेल ही कॉकरोच से डरती है, कॉकरोच से लड़के भी डरते हैं, वो घिनौना सा होता है, उसके आगे से इतनी बड़ी तो मूछें होती हैं, घिनौना होता है वो, डरते नहीं है, घिनौना सा होता है वो। बफेलो, लामा, काउ, गोट एंड कैमल, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो लामा को छोड़कर सारे के सारे आपके दूध देने वाले एनिमल है, मिल्क याइल्डिंग आपके एनिमल्स है, तो राइट आंसर इज द बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्रो, पिजन, पैरेट, बटरफ्लाई एंड पिकॉक। क्रो हुआ आपका, पिजन हुआ, पैरेट हुआ, बटरफ्लाई हुआ, पिकॉक हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो बटरफ्लाई जो आता है वो आपका इंसेक्ट कैटेगरी में आता है, बटरफ्लाई, ऑल एक्सेप्ट बटरफ्लाई आर बर्ड्स बट बटरफ्लाई इज एन इंसेक्ट, बटरफ्लाई किस में आता है आपका, इंसेक्ट में आता है। पैर बहुत चुभते हैं मैम, क्यों तूने उसको कॉकरोच को अपने ऊपर बिठाया जो तुझे पता है कि पैर उसके चुभते हैं। सॉरी नो मैम, हम तो हैंड में लेकर फेंक देते, अयो मुर्गना, अयो अयो अयो, तोबा तोबा, मैं नहीं फेंक सकती भाई कॉकरोच को, तो मैं दूर से ऐसे हिट छिड़कती हूँ, जैसे वो उड़ के आता है मैं भाग जाती हूँ, हिट विट छोड़ के मैं भाग जाती हूँ। जय सिंह, बीवी गिरी, जाकिर हुसैन, राजीव गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सो राइट आंसर इज आर राजीव गांधी विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी के सारे सारे ऑल एक्सेप्ट राजीव गांधी। वार आपकी क्या रह चुके हैं, वेरी गुड, आर द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट राजीव गांधी एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सो राइट आंसर इज आर राजीव गांधी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम, एक कॉकरोच आया। प्यूपिल, आयरिस, कॉर्निया, मैजुला, रेटिना। मैजुला इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन, मैजुला इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड एक्सेप्ट मैडुला ऑल आर पार्ट ऑफ द आई, सो राइट आंसर इज द मैजुला विल बी द करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। टेलर, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, बार्बर, इंजीनियर, बताइए। वेरी गुड विजेंद्र चौधरी, वेरी गुड मनीष कुमार, राकेश कुमार, लक्ष्य। टेलर, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, बार्बर एंड इंजीनियर। बार्बर कौन होता है, नाई। इंजीनियर कौन होता है, इंजीनियर, हमारे जैसे इंजीनियर जो क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बार्बर को छोड़कर, नाई को छोड़कर, रिक्वायर रॉ मटेरियल टू वर्क,
ना ही को किसी रॉ मटेरियल की जरूरत कोई ना होती। टेलर को किसकी जरूरत होती है? कपड़े की। कारपेंटर को किसकी जरूरत होती है? लकड़ी की। ब्लैक स्मिथ को लोहे की। इंजीनियर को किसकी जरूरत होती है? और चीजों की जरूरत होती है। जैसे सिविल इंजीनियर हुआ तो उसे सीमेंट की जरूरत होगी। ना ही को क्या रॉ मटेरियल चाहिए होता है? कैची ली और काट दी। तो ना ही को किसी भी रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं होती। एक्स वॉर्ड नाइफ चावल एंशिया। एक्स क्या होता है आपका? कुल्हाड़ी। क्या होता है? ये होती है आपकी कुल्हाड़ी। तलवार चाकू बेलचा होता है। शोवल बेलचा होता है। ऐसे उठा के मिट्टी को फेंक देते हैं। सा मतलब होता है आरी। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? शोवल को छोड़ के ऑल एक्सेप्ट शोवल। वेरी गुड, वेरी गुड। सारे के सारे अच्छे हैं। आर टूल यूज टू द चॉपिंग। चॉपिंग कह लो या कटिंग कह लो, कटिंग और चॉपिंग। ठीक है, सारे के सारे आपके कटिंग करने के या चॉपिंग करने के लिए क्या आते हैं? यूज आते हैं, एक्सेप्ट आपका शोवल। सो राइट आंसर इज द डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। मैं भी इंजीनियर हूँ कृष्णा मोहन सिंह। हम भी इंजीनियर हैं। क्या कर रहे हैं आज की डेट में? लव क्लैथ कडल नेस्टल एंड केयर। लव तो मतलब सबको पता होगा। लव मतलब तो बताना जरूरी नहीं है ना। लव मतलब होता है प्यार। लव मतलब क्या होता है आपका? प्यार। क्लैप्स मतलब क्या होता है? किसी को पकड़ लेना। क्लैप्स करना, किसी को पकड़ लेना। कटल मतलब क्या होता है? किसी को बाहों में ले लेना। क्लैप्स मतलब होता है किसी को पकड़ लेना। नेस्टल मतलब होता है किसी को पनाह देना। ठीक है, केयरेस मतलब होती है किसी को दुलार करना, प्यार करना, दुलार करना, है ना। तो ये लव को छोड़कर ऑल एक्सेप्ट लव आर गेस्टर्स है। वो क्या है? गेस्टर है सारे के सारे ऑफ एंडरमेंट। So right answer is the love will be the correct answer, Kartikeya. ठीक है, लव जो बनेगा वो क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ब्लेज ग्लेज सिमर शिमर एंड ग्लिमर। बताओ ब्लेज मतलब क्या होता है आपका? ब्लेज मतलब होता है लो, लो। ठीक है, लो जो आप किसी मोमबत्ती को जलाते हो तो उसकी मोमबत्ती की वो जो जलती हुई होती है वो क्या होती है? लो होती है। ग्लिंट मतलब क्या होता है आपका? चमक। ग्लिंट मतलब क्या होता है? इसमें से एक भी शब्द का अनुभव नहीं किया। लक्ष्य अभी अनुभव करवाऊं बेटा? बता कनपटी पे आएगा? एक चप्पल गिर गई मेरी, 2 मिनट रुक जाओ। तुम लोग घर पे बैठ के तो आराम से क्लास लेते हैं ना। तो ग्लिंट मतलब क्या होता है तुम्हारा? ग्लिंट मतलब होता है चमक। सिमर मतलब होता है उबाल, जैसे दूध में उबाल आ जाता है, पानी में उबाल आ जाता है। सिमर मतलब क्या होता है आपका? उबाल। शिमर मतलब क्या होता है? शिमर, शिमर मतलब होता है टिमटिमाना। शिमर मतलब क्या होता है? टिमटिमाना। ग्लिमर मतलब क्या होता है आपका? चमकना। शिमर हुआ, ग्लिमर हुआ, ग्लिंट हुआ, ब्लेज हुआ, मतलब ऑल एक्सेप्ट सी ऑप्शन। ऑल एक्सेप्ट सी ऑप्शन आर कनेक्टेड विद द लाइट। बस शिमर जो है इज द वे ऑफ कुकिंग, पानी में उबाल आ जाना। गोरी मैम आज ज्यादा ही गोरी लग रही हो। अब बता क्या करूं? अब काला स्पोर्ट के आ जाऊं क्या? काली काली शाही लगा लूं क्या पूरे फेस पे? सुबह से ऐसी ही है तुम्हारी गोरी मैम। अब बताओ क्या करूं? कोई मैंने ना मेकअप किया ना कुछ किया, उल्टा मुंह धो के बैठी हूं। ठीक है, तो भैया तुम्हारी गोरी मैम अब गोरी लग रही हैं। तो भैया तुमने गोरी मैम नाम ही क्यों रखा है? इसलिए तो रखा है क्योंकि तुम्हारी मैडम गोरी है, नहीं तो तू बड़ा नाम रख रहा था मेरा गोरी। मेरे भाई और आए आज, दुष्यंत को तो जानता होगा विक्रम तो। अरे नलायक, चप्पल चेयर से गिर नहीं सकती। चप्पल जैसे हम बैठ के पढ़ा रहे होते हैं, कभी तू चेयर पे बैठ के पढ़ाया और चप्पल तेरी ऐसे ऐसे चल रही है, मूव कर रही है, चप्पल गिर नहीं जाती, दूर चली जाती है। दूर चली जाने को मैंने गिरना बोल दिया। आया बड़ा चल के छत पे ले, छत पे ले रही हूं मैं क्लास, आ जा। चप्पल कैच कर लियो नीचे से। टेबल कपबोर्ड चेयर सोफा एंड पेपर वेट। पेपर वेट को छोड़कर सारे के सारे आइटम्स आपके जो है वो किसके हैं?
फर्नीचर के हैं. सो राइट आंसर इज द पेपर वेट विल बी द करेक्ट आंसर. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, बताओ. हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, आयोडीन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, क्लोरीन हुआ. इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको. इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आयोडीन को छोड़कर आर गैसेस, बट आयोडीन इज अ लिक्विड. सो राइट आंसर इज द आयोडीन विल बी द करेक्ट आंसर. तो इसका जो राइट आंसर बनेगा गाइस वो बनेगा आपका आयोडीन. ठीक है, क्लियर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, टेलीफोन एंड एक्सरे. रेडियो हुआ, टेलीविजन हुआ, कंप्यूटर हुआ, टेलीफोन हुआ एंड एक्सरे हुआ. इस क्वेश्चन का आंसर बताना है. एक्सरे को छोड़कर आर मींस ऑफ मास मीडिया. क्या है आपका? मास मीडिया से कनेक्ट करता है एक्सरे को छोड़कर. सो राइट आंसर इज द एक्सरे विल बी द करेक्ट आंसर. क्लियर है गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंक, पेपर, पेन, पेंसिल एंड शार्पनर. इंक, पेपर, पेन, पेंसिल एंड शार्पनर. ऑल एक्सेप्ट शार्पनर आर यूज फॉर राइटिंग. सो राइट आंसर इज द शार्पनर विल बी द करेक्ट आंसर. ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, क्लोरिया, टाइफाइड एंड टिटेनस, बताओ. स्मॉल पॉक्स, ऑल एक्सेप्ट स्मॉल पॉक्स आर डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया, बट स्मॉल पॉक्स डिजीज इज कॉज बाय वायरस. लेकिन स्मॉल पॉक्स जो होता है वो आपका वायरस से होता है. बाकी की सारी जो डिजीज है वो बैक्टीरिया से होती है. सो राइट आंसर इज द स्मॉल पॉक्स विल बी द करेक्ट आंसर. आईज, ईयर्स, हैंड्स, लेग्स एंड नोज. Eyes, ears, hands, legs and nose, बताओ. Eyes कितनी आपकी? दो. Ears कितने आपके? दो. Hands कितने आपके? दो. Legs कितने आपके? दो. Nose कितनी आपकी? एक. Only आपकी जो nose होती है वो आपकी वन होती है, दो मत बता देना. ठीक है, मोटी बुद्धि तो तुम सारे के सारे हो. तो आपकी जो विक्रम जो नोज होती है वो एक होती है, बाकी के सारे जो आपकी ह्यूमन बॉडी पार्ट्स है वो आपकी क्या है? इसमें आपके पेयर में है. लड़कियां नहीं आती है क्लास में, लड़कियां आ जाएंगी. तुझे बड़ा लड़कियों का इंतजार है, है मोटी बुद्धि गोचूरा. हाँ भी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा. टेलीस्कोप, पेरिस्कोप, माइक्रोफोन, बायोस्कोप एंड आपका बनेगा मेरा हाँ जी. देखिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. देखिए यदि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सी ऑप्शन. क्योंकि माइक्रो जो आपका फोन है उसको छोड़कर सारे के सारे आपके इंस्ट्रूमेंट है या तो वो किसी ना किसी बेस्ड ऑन थ्योरी है या आपके प्रिंसिपल ऑफ लाइट के ऊपर क्या करते हैं आपके डिपेंड करते हैं. सो राइट आंसर इज द माइक्रोफोन विल बी द करेक्ट आंसर. हाँ आदित्य माइक्रोफोन, वेरी गुड. आर नहीं, कार्तिके. अरे बस ये तो कार्तिके के पीछे पड़ा हुआ आदमी हो चुका है ये, क्या कहूं मैं तेरे को. है
ओथेलो, मैकबेथ, हैमलेट, रिपब्लिक एंड किंग लियर, ये सारे के सारे ना बेटा किसी ना किसी नाटक के किरदार रह चुके हैं। वो नाटक का किरदार क्या है वो आप लोगों को बताना है, बताइए कमेंट कमेंट करके बताइए। रिपब्लिक को छोड़कर सबने शेक्सपियर की उसमें काम कर रखा है, वर्क ऑफ शेक्सपियर। सो राइट आंसर इज द रिपब्लिक विल बी द करेक्ट आंसर। हाउसफ्लाई, स्पाइडर, मॉस्किटो, बटरफ्लाई एंड कॉकरोच, बताइए। स्पाइडर को छोड़कर, अब यहां पे लगाना है कृष्ण मोहन सिंह तुम्हारे उड़ने वालों को, क्योंकि स्पाइडर आपका उड़ता नहीं है। कभी आपने देखा है स्पाइडर को उड़ते हुए? ओए गोचूराम, स्पाइडर को उड़ते हुए देखा है? अब कोई कह मत देना हाँ उड़ते हुए देखा है, मारूंगी पकड़ के। हेमलेट नहीं बनेगा बेटा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। एन ओपन सीक्रेट, पता ही नहीं बनेगा। सो यहां पे राइट आंसर बनेगा आपका स्पाइडर। बड़ा कठिन वर्ड एनालॉगी है? कहीं नहीं है वर्ड एनालॉगी कठिन, इजी है। तो स्पाइडर विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज सारे के सारे आपकी क्या है गाइस, वेरी गुड, आर फ्लाइंग इंसेक्ट। सारे के सारे क्या है आपके? फ्लाइंग इंसेक्ट है। तो राइट आंसर इज द स्पाइडर विल बी द करेक्ट आंसर। मंगोलिया, चाइना, बर्मा, बंदो हो जाएगा, हाँ ऐसा होगा। मंगोलिया, चाइना, बर्मा, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मंगोलिया को छोड़कर सारी की सारी आपकी क्या है? नेबरिंग कंट्री है किसकी? इंडिया की। सो राइट आंसर इज द मंगोलिया विल बी द करेक्ट आंसर। ग्लूमी, काम, डल, टेंस एंड डिस्ट्रेस। ग्लूमी हुआ, काम हुआ, डल हुआ, टेंस हुआ, डिस्ट्रेस हुआ। राइट आंसर क्या बनेगा? आकाश मैम प्लेलिस्ट बनाने के लिए एडिटर साहब को, अरे आकाश एडिटर तो मैं ही बनी हुई हूँ, एडिटर तो मैं ही बनी हुई हूँ, बता। डिस्ट्रेस को छोड़कर सारे के सारे आपके एडजेक्टिव है, लेकिन डिस्ट्रेस इज अ नाउन। सो राइट आंसर इज द ई ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो डिस्ट्रेस जो बनेगा वो बनेगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसिटिव, सेंटिमेंटल, पैशनेट एंड रीजनेबल एंड सेंसेशनल, बताओ। सेंसिटिव, सेंटिमेंटल, पेशनेट एंड रीजनेबल एंड सेंसेशनल, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सेंसेशनल को छोड़कर, सेंसेशन मतलब होता है सनसनी खेज, ठीक है, कहीं पे क्या हो जाता है सनसनी खेज हो जाता है, उसको बोला जाता है। रीजनेबल हुआ, पैशनेट हुआ, सेंटिमेंटल हुआ, सेंसिटिव हुआ, ये क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं किसके, एक इंसान के नेचर को क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। तो ई ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। वर्ड्स, राइम, कपलेट, रिटोरिक एंड स्टेंजा। वर्ड्स हुआ, राइम हुआ, कपलेट हुआ, रिटोरिक हुआ, स्टेंजा हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वेरी गुड। रिटोरिक को छोड़कर आर टर्म्स एसोसिएटेड विथ पोएट्री। सो राइट आंसर इज द डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। सो मैम आप थोड़ा सा एक काम कीजिएगी, हाँ बेटा सारी काम मैं करूंगी, प्लेलिस्ट भी मैं बना लूंगी, बेटा तू टेंशन ना ले, प्लेलिस्ट भी हम बना लेंगे। और कुछ हुक्म मेरे आका बता, कोई हुक्म दे दे, और कोई हुक्म देना है हमको दे दो भाई, कोई और हुक्म देना है तो हम तो सारे हुक्म मान लेंगे, बताओ भाई कोई और हुक्म देना है तो दे दीजिए, हम तो हर हुक्म मानने के लिए तैयार हैं। आज से लोरी क्या कल कर रहे हो आप सब घर पे हैं? मूंगफली और फुल्ले नहीं खा रहे हो? पॉपकॉर्न बताओ, पॉपकॉर्न नहीं खा रहे हो तुम सब मेरे ख्याल से? हमको तो अच्छा नहीं लगा यदि आप लोग पॉपकॉर्न नहीं खा रहे हो तो, दुख हुआ।
हाँ हो जाएगा, काश मैं करवा दूंगी, अभी मैं एडिटर साहब को मैसेज कर दूंगी, वो आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनवा देंगे, ठीक है? आप बिल्कुल भी परेशान मत हो जाइए। एग्जाम डेट आ चुकी है, आप लोगों को ये नहीं पता एग्जाम डेट कब की है? तुमने तो जहर फैला रखा है। एग्जाम डेट कब की है तुम्हें ये नहीं पता? 12, 13, 14, इन 3 दिन के एग्जाम डेट है। तुम तो वैलेंटाइन भी खराब कर दोगे मेरे मेरे पति के साथ है। 14 को कौन रखता है? चलो ले लेंगे तुम्हारे लिए। अरावली हिल्स, शिवालिक हिल्स, मोल हिल्स, सतपुरा हिल्स एंड नीलगिरी हिल्स, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वेरी गुड, आपका मोल हिल्स छोड़कर सारे के सारे आपके इंडिया के अंदर है, ठीक है? स्प्रिंग रोल चालू है इधर तो मैम, अरे स्प्रिंग रोल खा रहे, मेरे फेवरेट है स्प्रिंग रोल, आई लव स्प्रिंग रोल। खा रहे हो तुम स्प्रिंग रोल, मुझे अच्छा लगा। इसको देख कार्तिको को, ये प्लेलिस्ट क्या है? प्लेलिस्ट होती है कृष्ण की, आपको एक टीचर की क्लास एक उस उसमें मिल जाती है ले वाइज। आदित्य कश्यप, 13 का सी कौन से 13 पे पहुंचा हुआ है तू? एलिफेंट मैन सील हॉक एंड व्हेल, बताइए। हॉक को छोड़कर सारे के सारे आपके क्या है? मैमल है। सो राइट आंसर इज द डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन। सारी लाइट आपके फेस पे ही है आज, देख ले तेरी मैम का कमाल, तेरी मैम बिल्कुल कमाल कर देती है, बिल्कुल गजब का। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कछुआ, फ्रॉग, रैट, मंगूज एंड स्नेक, बताइए। वेरी गुड, स्नेक को छोड़कर, यू स्नेक को छोड़कर, स्नेक ही है एक आपका यहाँ पे जहरीला जानवर जो जहर फैलाता है, ठीक है? मैं सेट हो गई मनीष कुमार, ऐसा नहीं है मैं सेट हो गई, मैं तो सेट होती भी नहीं है, ये बात तो सबको पता है, मैं तो दूसरों को सेट कर दूं। सॉरी, बुली, बंकर, कॉर्नर, ड्रिबल एंड स्कूप, बताओ। बंकर एक ऐसी टर्म है जो आपका बंकर, जो बंकर को छोड़कर, बंकर तो आपका पोलो में आपकी एक ऐसी टर्म है जो आपका एसोसिएट करता है, लेकिन बाकी के सारे जो आपके टर्म है बुली, कॉर्नर, ड्रिबल, स्कोप, ये सारी की सारी जो टर्म है वो यूज्ड होती है आपकी किसमें? हॉकी में। सो राइट आंसर इज द बंकर विल बी द करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। खालू में भी स्प्रिंग रोल, कहाँ से मंगवाए स्प्रिंग रोल? हमारे कॉलेज टाइम पे स्प्रिंग रोल देते थे भैया, वो हमारे कैंटीन वाले भैया, इतने गजब के स्प्रिंग रोल, इतने गजब के स्प्रिंग रोल, मुंह में पानी आ रहा है। बाबर, हुमायूं, शेरशाह, अकबर एंड जहांगीर, बताइए। शेरशाह को छोड़कर सारे के सारे आपके मुगल एम्पायर है, क्या है? मुगल रूलर है। सो राइट आंसर इज शेरशाह विल बी द करेक्ट आंसर। हिन हिनाना दहाड़ना, हिज मतलब होता है आपका जिस सांप की आवाज होती है, ग्रंट एंड थंप, बताइए। थंप को छोड़कर ऑल आर द एनिमल ऑफ साउंड, सॉरी साउंड ऑफ एनिमल, क्या है? और सारे के सारे आपके क्या है? साउंड ऑफ एनिमल। हाँ मनीष कुमार, जो बंकर है वो आपके आर्मी वाले भी बनाते हैं, तो यहाँ पे जो बंकर है वो आर्मी वाले भी बनाते हैं। बंकर एक ऐसा वर्ड है जो आपका वो टर्म जो यूज होता है वो आपके पोलो गेम में यूज होता है। सेमिनार, सेमी कॉलन, सेमी फाइनल, सेमी सर्कल, सेमी टर्न, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सेमिनार को छोड़कर जो आपका सेमी लग रहा है हर एक हिस्से में बी सी डी और ई में, इंडिकेट करता है किसको? हाफ को इंडिकेट करता है। सो राइट आंसर इज द सेमिनार विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वीनस, सैटर्न, अर्थ, मरकरी एंड नेपच्यून, बताओ।
ऑल एक्सेप्ट, देखो सारे के सारे आपके प्लैनेट है, ऐसा तो कोई नहीं है कि इसमें से आपका प्लैनेट नहीं है, तो अब इसमें से अलग क्या बनेगा, अर्थ बनेगा। क्यों बनेगा अर्थ, क्योंकि ये डिनोट करता है रोमन और ग्रीक में गॉड एंड गॉडेस को। सो राइट आंसर इज द अर्थ विल बी द करेक्ट आंसर, तो राइट आंसर इज द सी ऑप्शन। सिर्फ अर्थ को छोड़कर सारे के सारे आपके रोमन या ग्रीक में आपका क्या था, गॉड या गॉडेस को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है या रिलेट करता है, ठीक है, डिनोट करता है। सो राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका अर्थ, पृथ्वी एक अलग चीज है, ठीक है। फ्रॉस्ट ड्यू फॉग मॉनसून एंड रेन, बताइए। फिश क्रैब टर्टल श्रिम्प एंड लिजार्ड, बताओ। देखो छिपकली को छोड़कर सारे के सारे आपके एक्वेरियम में रखे जा सकते हैं, बिल्कुल रखे जा सकते हैं, एक्वेटिक एनिमल है। लिजार्ड को छोड़कर सारे के सारे आपके एक्वेटिक एनिमल है। सो राइट आंसर इज द लिजार्ड विल बी द करेक्ट आंसर। फ्रॉस्ट ड्यू फॉग मॉनसून एंड रेन, मॉनसून को छोड़कर और फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। सो राइट आंसर इज द मॉनसून विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ठंड लग गई भी तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते, तो अब तो मुझे गोइटर, टाइफाइड, रिकर्स, अनेमिया एंड स्कर्वी, बताइए। गोइटर होती है आपकी एक डिजीज होती है, जो डेफिशिएंसी होती है किसी ना किसी चीज की, डेफिशिएंसी की वजह से होता है। रिकर्स भी, अनेमिया भी, स्कर्वी भी और गोइटर भी, लेकिन टाइफाइड जो होता है वो किसी की भी डेफिशिएंसी की वजह से नहीं होता, लेकिन ऑल अदर्स आर एक्सेप्ट टाइफाइड, ऑल अदर्स आर डेफिशिएंसी ऑफ, मतलब डेफिशिएंसी की वजह से होता है किसी ना किसी, कोई विटामिन्स की कमी है, कोई आयोडीन की कमी से होती है, ठीक है। चलिए, एप्पल बनाना मैंगो पियर पपाया, एप्पल बनाना मैंगो पियर पपाया, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बनाना को छोड़कर सब में क्या होते हैं आपके, सीड्स होते हैं, क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, तो बनाना विल बी द करेक्ट आंसर। टोमेटो, टोमेटो, कैरेट, रेडिश, ब्रिंजल एंड कैबेज, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वेरी गुड, देखो ब्रिंजल को छोड़ के टमाटर, टमाटर को आप बिना पकाए खा सकते हो, कैरेट को भी, रेडिश को भी, कैबेज को भी, ब्रिंजल को पकाना पड़ता है खाने के लिए, उसे पकाना पड़ता है, तो ब्रिंजल मार डाला तुम लोगों ने मेरे को आज। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा गाइस वो बनेगा आपका ब्रिंजल विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर है। चलिए गाइस आज के सेशन को हम यहीं पे खत्म करते हैं और मुलाकात करेंगे अब आपसे कल के सेशन में। कल का जो सेशन होगा वो सेम होगा आपका वर्ड एनालॉजी के ऊपर, आपके वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चन ही डिस्कस कराए जाएंगे आपसे, ठीक है। तो किसी को कोई क्वेरी पूछनी है तो आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी पूछना है, मैं तैयार बैठी हूँ आप लोगों के जवाब देने के लिए। क्वेश्चंस का किसी भी चीज से रिगार्डिंग आपको कुछ भी पूछना है आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्यों मनीष कुमार रेडिश क्यों हो सकता है, मेरे को इतना बताइए रेडिश क्यों होगा, बता। पत्ता गोभी भी हम ऐसी खाते नहीं है, पत्ता गोभी भी तो हम ऐसी खा लेते हैं, बता खाते हैं नहीं खाते हैं, फोटो लेने दो मुझे अभी एक। बताइयो, पत्ता भैयो मुर्गन्ना, बताओ। पतिदेव जरूर, पतिदेव बड़ा खाना बनाएंगे, मुझे बनाना पड़ जाए, पतिदेव खाना बना रहे हैं तो मैं, किसने बता दिया पतिदेव मेरे खाना बनाते हैं, ये बात तो तुम रहन दो, ये तो तुम रहन दो कि किचन में ना घुसे मेरा पति तो बिल्कुल भी। बताओ अभी कंटेंट ना भेजू कल, तुम्हारी क्लास कौन लेगा, मेरे पड़ोसी लेंगे आके, टाइपिस्ट को कंटेंट तो भेजूंगी। है रे
कंटेंट भी नहीं भेजने थे। चलो अपना ध्यान रखिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।